सभी हम बात करने वाले मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो अभी काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे भाई उनके मिस्टर इंडियन हैकर की लास्ट एक मंथ से कोई भी वीडियोस वगैरह नहीं आई थी, ठीक है। देन इसी को लेकर काफ़ी सारे लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे थे, देन इसी को लेकर कल अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, देन वहाँ पर बताया कि उनके जो लास्ट मंथ था उसके साथ काफ़ी बुरी बुरी तरीके से इंसिडेंट हुए, काफ़ी बुरी घटनाएं उनके साथ हुई थी। देन क्या उनके जो टीम मेंबर थे ना, ऑलमोस्ट पहले 12 मेंबर थे टीम में, देन अभी जो सिर्फ 10 मेंबर ही, मतलब दो लोग उनकी टीम को छोड़ के भी चले गए। देन वो बताया कि उनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, देन और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की। तो इस वीडियो की एक इंपॉर्टेंट क्लिप शेयर कर दे रहे भाई, कंप्लीट वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हमारी टीम का एक्सीडेंट हो गया था, और मैं मिस्टर इंडियन हैकर जिसके 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो रोड पे पट्टियां बंधी हुई है, जगह जगह पे चोट है, और वो रोड पे नंगे पैर घूम रहे, नंगे पैर भाग रहे इधर से उधर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे खुद से ज्यादा उसके दोस्तों की फिक्र थी। टीम वो जिसे मैंने रॉक स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो इतनी सॉलिड है, मुझे इतना विश्वास था कि यार कि उसे कोई पर्वत भी नहीं हिला सकता है। बताओ यार, वो टीम भी टूट गई। जी हाँ गाइस, जहां पर हम 12 लोग हुआ करते थे टीम के अंदर, अब सिर्फ 10 लोग हैं। सबसे अच्छी बात ये रही कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट, मतलब गाड़ी पूरी 4-5 बार पलटी खा गई और घिसटती हुई गई न जाने कितनी दूरी तक, उसके बाद भी जो भी गाड़ी चला रहा था उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट आशीष चंचलानी से, काफी सारे लोगों को पता चली गया होगा आशीष चंचलानी का जो यूट्यूब चैनल कल जो हैक हो गया था। इसके बाद क्या हो, जो हैकर ने ना कुछ इस तरीके से कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, यहाँ पर लिखा बड़े दुखद न्यूज के साथ टीम आपको बताना चाहती कि आशीष चंचलानी उफ आंसू अब हमारे बीच नहीं रहे, एक्सक्लूसिव इनसाइड न्यूज है हम दे रहे हैं, उन्हें दिल का दौरा आ गया जिसकी वजह से आज सवेरे उनका देहांत हो गया, आरआईपी आशीष। देन भाई काफी सारे लोग कंफ्यूज हुए थे कि भाई इस तरीके से क्यों यहाँ पर कम्युनिटी टैब में यहाँ पर डाला आशीष चंचलानी, ठीक है। इसी चीज के ऊपर आशीष चंचलानी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज वगैरह शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने चैनल हैक के बारे में बताते हैं, यहाँ पर लिखे टुडे मॉर्निंग समवन हैक माय यूट्यूब अकाउंट एंड स्टार्ट पुटिंग अप कम्युनिटी पोस्ट गिविंग फेक न्यूज अबाउट माय डेथ, आई एम एब्सोल्युटली नम्ब्ड राइट नाउ एंड डोंट नो व्हाट टू से, माय एंटायर फैमिली एंड टीम इज एक्सट्रीमली डिस्टर्ब बाय दिस, डोंट नो हु डिड दिस एंड व्हाई दे डिड दिस, बट आई जस्ट वांना से टू दिस पर्सन, यू आर अ डिस्टर्ब फ्रीक हु लव्स अटेंशन एंड यू शुड गेट योरसेल्फ चेक्ड। वो कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर किए जो कि उनके थ्रू किए गए थ्रू हैकर के थ्रू, यहाँ पर कुछ कमेंट्स वगैरह भी शेयर किए जहां पर आप देख सकते हो किस तरीके से मतलब गलत कमेंट्स वगैरह आते हैं। इसी को लेकर वो लिखे लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स, आई एम सो डन, दस को लेकर वो काफी ज्यादा गुस्सा थे। ये समझ में नहीं आ रहा कि जो हैकर था उन्होंने सिर्फ कम्युनिटी पोस्ट के लिए उनका चैनल हैक कर लिया, भाई अभी लोग मतलब कुछ भी कर जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट नोमाद शुभम से रिलेटेड। नोमाद शुभम को आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, ठीक है, एक ब्लॉगर एंड देन मैक्सिमम ये ना इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो गए थे बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है, देन वहां पर इनके साथ स्कैम हो गया है जिसके बारे में अपने रिसेंट ब्लॉग में बताया। तो इस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप शेयर करें भाई, कंप्लीट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया, वहां से आप चाहो चेकआउट कर सकते हो। ये सोच के मैंने कहा चलो ठीक है यार 200 देता हूँ, बट ये काइंड ऑफ स्कैम है और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बहुत ही टूरिस्ट के साथ हो रखा है, ये मैं इकलौता नहीं हूँ, बहुत सारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं सबके साथ ये स्कैम होता है, ये बैंकॉक एयरपोर्ट पे। और थाई अथॉरिटी पता नहीं क्या कर रही है, इस बात को देखती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने 200 एक्स्ट्रा के लिए एक अलग लाइन बना रखी है, बट उस लाइन में सबको जबरदस्ती भेजते हैं। जबरदस्ती भाई, अगर भाई मेरा मन है कि मुझे प्रायोरिटी लाइन में नहीं जाना है तो क्यों आप मुझे जबरदस्ती भेज रहे हो, जबरदस्ती भेज के 200 एक्स्ट्रा बनाते हैं, 500 एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की बात। तो नेक्स्ट अपडेट आदर्श आनंद सेठ, आदर्श आनंद को आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे, ठीक है, एक कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो आदर्श आनंद सेठ अभी काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है, जहां पर देख सकते हो एक जगह वहां पर वीडियो की शूटिंग कर रहे थे, वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, काफी सारी भीड़ हो गई थी उनके वीडियो को देखने के लिए कैसे शूटिंग वगैरह की जाती है इस तरीके से। देन क्या उसी भीड़ में ना कुछ लोगों का मतलब की लड़ाई वगैरह हो जाता है, ठीक है, देन वहां पर गोलियां वगैरह चलती है। सबसे पहले तो एक बंदा दूसरे बंदे को गोली मार देता है, देन जिसको गोली मारे उसके साथ वाला ना आगे जिसने गोली मारे उसको मार देता है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर आर्टिकल में लिखा है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन दोनों की जो डेथ चुकी है। आदर्श आनंद ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी। बाकी जो भी आर्टिकल्स वगैरह उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 से रिलेटेड, क्या ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के शूटिंग से कोई पिक्चर लीक हो गई है? तो क्या होता है, आरवी सीजे अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया, यहां पर आप देख सकते हो दिस स्टिल रिमेंस वन ऑफ द मिस्टीरियस पिक्चर फॉर मी। देन ब्रह्मास्त्र जो मूवी थी ना उसकी टीम है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो शाहरुख खान, आलिया भट्ट है, ठीक है, रणवीर कपूर, करण जौहर, देन 3 इसमें और भी नए एक्टर्स है जैसे कि रणवीर सिंह हो गए, दीपिका पादुकोण, आमिर खान, जैसे अभी
न्यूज आ रही थी कि जो दीपिका पादुकोण है अमृता का रोल प्ले करेगी, देन जो रणवीर सिंह है ना वो देव का रोल प्ले करेंगे पार्ट टू में, इसमें शायद से आमिर खान भी हो सकते हैं। देन काफी सारे लोग यही बोल रहे थे भाई ये शूटिंग की पिक्चर है, शूटिंग वगैरह चल रही देन वहां की पिक्चर है। इसके बारे में आपको अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, फ्रेडी मूवी सेट। तो फ्रेडी मूवी को जो आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर, जो की कार्तिक आर्यन की मूवी है, इसी पर रिएक्ट करते हो कि आर के एक ट्वीट के यहाँ पर लिखे, व्हाट अ ब्रिलियंट फिल्म फ्रेडी, माइंड ब्लोइंग सस्पेंस एंड थ्रिलर, कार्तिक आर्यन हैज डन ट्रैफिक एक्टिंग, मस्ट वॉच फिल्म, 3 स्टार फ्रॉम मी। बस आपने देख लिया, आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर शेयर करना। एंड जब फ्रेडी मूवी से बात हो गई तो आपको अभी की रिव्यू के बारे में बात करें, अभी के रिव्यू भी जनरली रिव्यू वगैरह ही करते हैं मूवी के, देन वो कल अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर किए, यहाँ पर बता दो काफी सारे ऐसे रिव्यूअर, काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स बिना मूवी को देख के उसका रिव्यू कर देते, ठीक है, क्या कहते हैं खुद उनसे सुन लीजिए। इस दुनिया में सुपर ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं, आपको प्रूफ देता हूँ। अभी हो रहा है 1:30 रात को, 12 बजे फ्रेडी मूवी रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, लेकिन कुछ सुपर ह्यूमन है रिव्यू कम्युनिटी में, उन्होंने रिव्यू डाल दिया है भाई 1 घंटा पहले, मूवी के पहले रिव्यू, वाह वाह। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, ज्ञान थेरेपी से रिलेटेड। तो क्या होता है ना, ज्ञान थेरेपी एक ट्वीट किए थे यहाँ पर लिखे, यूट्यूब शॉर्ट्स टेक वीडियो पर व्यूज लाने का ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक बस आईफोन पर वीडियो बनाते जाओ या फिर आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड कर दो, ट्रस्ट मी रॉकेट की स्पीड से चैनल उड़ने लगेगा, बस शॉर्ट्स में थोड़ा एंगेजिंग फनी एड कर देना। किसी ने ट्वीट को रीट्वीट करते यहाँ पर लिखा, टेक यूट्यूबर्स की दुकान ही आईफोन की बुराई से चलती है, इतना बुरा बोलते हैं उतना ही बिकता है। इसी का रिप्लाई करते हो ज्ञान थेरेपी लिखे, डोंट माइंड लेकिन आपके प्रोफाइल पर पता चला कि आप भी यूट्यूब चैनल पर काम करते हो, आपका ऐसे में अदर क्रिएटर की दुकान बोलना क्योंकि आप भी दुकान चला रहे हो, वैसे दुकान ना वो यूट्यूब होता है। सो बस यार आज की सारी सारी अपडेट आई, होप वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, बाकी आप लोग और भी ऐसे ही अपडेट रहना चाहते हो देना, मैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, बताने दे वही तो बात डिस्टर्ब करे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, ब्रह्मास्त्र मूवीज रेटेड ठीक है वो फ्रेडी देगी, मतलब फ्रेडी सही थी डिज्नी प्लस हॉटस्टार, देखना यार मेरे को भी, अब देखते क्या होता है। अब भाई काफ़ी सारे लोगों को क्या लगता है कि मतलब ये जैकेट पहन के भाई होशियारी मारा, भाई ठंड बहुत लगती है, तूने देख ली मूवी? ठीक है देखते हैं, आज देखते हैं ना। माय एंटायर फैमिली टीम इज एक्सट्रीमली डिस्टर्ब बाई, एक बार में बोला क्यों नहीं जाता यार, ये इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है यार।